आप सभी श्याम प्रेमियों का खाटू श्याम जी के दरबार में स्वागत है। आज हम श्याम बाबा का धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद क्यों करेंगे और कैसे करेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए हम बाबा के दरबार में सर्वप्रथम गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम बाबा का धन्यवाद करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भजन मंत्र शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु के दरबार में जाकर सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करें और ये सोचें कि जितना आपको मिला है क्या वो सबके पास है। किसी भी सफलता के लिए प्रथम धन्यवाद प्रभु को ही देना चाहिए। किसी भी असफलता या परेशानी जिसे हम भोग पा रहे हैं उसे भोगने की शक्ति देने हेतु प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु अनुकूलता को बढ़ाकर देते हैं और प्रतिकूलता को घटाकर देते हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे किसी विपत्ति में हमें किसी व्यक्ति विशेष से सहयोग मिला तो हम उस व्यक्ति को निमित्त मानकर असली सहयोग पहुंचाने वाले प्रभु के अदृश्य श्री हाथों को देखने की कला आनी चाहिए, तभी प्रभु के लिए सच्चे मन से धन्यवाद निकलेगा। प्रभु ने श्रीमद् भागवत गीता जी में स्पष्ट कहा है कि सभी को सभी कुछ देने वाले प्रभु हैं। निमित्त कोई भी बने पर देने वाले प्रभु के अलावा कोई भी नहीं। इसलिए सच्चा धन्यवाद प्रभु के लिए हृदय से सदैव निकलते रहना चाहिए। सबसे पहला धन्यवाद प्रभु को स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए, क्योंकि जो बीमार है उससे पूछे स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है। जो दिन भर बिस्तर पर लेटा स्वस्थ होने का इंतजार कर रहा है उसे पता होता है कि अस्वस्थता का एक एक लम्हा बिस्तर पर पड़े एक एक करवट लेना कितना कष्टदायक होता है। हम स्वस्थ हैं और अगली श्वास ले पा रहे हैं, इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मंदिर में आ गए हैं, श्याम बाबा को धन्यवाद दीजिए। अगली श्वास नहीं आए तो हमारी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। अगली श्वास पति को नहीं आए तो 60 वर्ष से साथ रहने वाली पत्नी भी उसके पति के शरीर अर्थात लाश को साथ छोड़ देती है। जो शरीर 60 वर्ष साथ रहा उसे 6 घंटे भी घर पर कोई नहीं रखता। इसलिए प्रत्येक श्वास के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हारे के सहारे को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। बोलिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, तीनवान धारी की जय, लीले के स्वार की जय, शीश के दानी की जय, जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों की सदा जय हो, श्याम बाबा की जय हो, जय श्री श्याम।